आज मैं मछली बना रही हूँ। आज इधर हल्का फुल्का बारिश हुआ है, इसलिए सबको मछली खाने का मन कर रहा है। इसलिए 1 किलो मछली है। इसमें स्वाद अनुसार नमक और हल्दी मिक्स करकर थोड़ा देर के लिए छोड़ दी। मैं धोते हुए नहीं दिखा पाई, लेट हो रहा था, इसलिए अब कढ़ाई गर्म कर रही हूँ। कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें तेल डाल दिया। तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब तक मसाला दिखा देती। लाल मिर्च पाउडर, धनिया, सरसों, हल्का गोल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, लहसुन, 2-2 चम्मच, मतलब अंदाजा से आपको जैसा खाना है उस हिसाब से मसाला तैयार करना है। तेल गरम हो गया, अब इसमें मछली डालेंगे। तब तक मसाला तैयार कर। अब लाल हो गया, जिसे चेंज कर दो कलर। फ्राई हो गया, इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह सारा मछली को तलना है, ऐसा ही लाल लाल सबको तल कर निकालना है। सही है, अब डाल दो सबको तलना है। सही, अब मसाला रेडी कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल देते हैं, उसके बाद टमाटर डाल देते हैं। थोड़ा नमक डाल देते हैं, टमाटर गल जाएगा अच्छे से। बस इसको फ्राई कर ले, उसके बाद मसाला डालेंगे। अब सारा मसाला इसमें डाल देते हैं। इसको ढक देते हैं, कम करके ढक दे, तब तक हो जाए। नहीं तो सब चिपक जाएगा नीचे, इसको बीच बीच में चलाना पड़ेगा और ये टमाटर गल भी जाएगा पूरा अच्छा होकर। यह है, पूरा तेल भी छोड़ दिया इसमें, इसमें पानी डालेंगे। ये पानी सा उबल जाएगा, अच्छा से मिल जाएगा, उसके बाद ये मछली डालेंगे। रेहू मछली है, रेहू मछली का स्वाद ही अलग होता है। मसाला अच्छा से पक गया, अब इसमें मछली डाल दें। देखिए कुछ खाएगा तो अभी थोड़ा सा अच्छा से इसमें रस में डूब जाएगा, उसके बाद धनिया पत्ता डाल देंगे। बस ये हो ही गया है।
इसमें धनिया डालेंगे और इसको चावल के साथ, गरम गरम चावल के साथ खाएंगे। एक मछली खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बस ये मछली पक गया, 5 मिनट इसमें छोड़ देते हैं, बस बन चुका है, रेडी हो गया। बस अब गरम गरम चावल के साथ खाएंगे इसको। इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। बस हो गया फाइनल, बस अब इसको गरम गरम खाना है।